मोहन जी को हमारे बेटे से माफी मांगनी होगी। पर आप हमारी बात सुनिए, आप भी तो हमने कहा ना, उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, उन्हें माफी। मैं माफी मांगूंगा। हृदय मुझे माफ कर। राधा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, किसी पराये को कष्ट से बचाना राधा रानी और बांके बिहारी की पूजा से कम नहीं है। अपनों के लिए खड़े होने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है, और आपसे माफी मंगवा कर मैं आपके साहस का अपमान नहीं करना चाहता मोहन जी। तो अगर अब मन मुटाव खत्म हो गया हो तो रस्में शुरू करें। रामेश्वर, बेटा हृदय को नारियल और रुपए देकर रिश्ता पक्का कर लो। पर माँ, मुहूर्त का समय तो निकल गया। मुहूर्त में तो रुपया और नारियल मोहन ने पकड़ लिया था। चुप करो ना मम्मा। जब मन मिल गए हैं तो हर समय अच्छा है, शुभ मुहूर्त की क्या जरूरत है। एकदम सही कह रहे हो बेटा, ये लीजिए। लेकिन दादी, अगर आप बुरा ना माने तो हम राधा जी से 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हृदय बेटा, आप राधा के साथ वहां मंदिर में बात कर सकते हैं। जी राधा जी, बड़े प्यारे लग रहे दोनों, है ना। हमारी माँ कुछ महीनों से हमारे लिए लड़कियां ढूंढ रही है, लड़कियों से मिलाने की कोशिश कर रही है शादी के लिए, पर मिलना तो दूर, हमने उनकी तस्वीरें भी नहीं देखी। पर आपकी बात आते ही हमने झट से हाँ कर दी। पता है क्यों? क्योंकि आपका नाम राधा है।
और आपसे मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि आपका नाम ही नहीं, अब तो पूरी की पूरी राधा रानी है। अब ऐसा लगता है कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पूरे तभी होंगे जब साथ होंगे। देखिए राधा जी, हमें तो आपसे बेहतर कोई जीवन साथी मिल नहीं पाएगा। अब आप बताइए आपकी क्या कहानी है। जी हम समझे नहीं, हमारी तो कोई कहानी नहीं है हृदय जी। आप जो कह रही हैं वो मानना तो चाहते हैं, पर हमारे दिल में जो सवाल है वो नहीं पूछेंगे तो गलत होगा ना। देखिए राधा जी, किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन में उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, और अगर वो लड़की किसी लड़के के लिए अपना सम्मान भी दांव पे लगा दे तो कुछ तो बात है ना। जहां तक कि अपने परिवार तक को नाराज कर दे, उसका तो यही मतलब हो सकता है कि वो लड़का उस लड़की के लिए बहुत खास है। जी राधा जी, हम आपके और मोहन जी की बात कर रहे हैं। राधा जी, अगर आपके जीवन में पहले से ही मोहन जी के लिए कोई खास स्थान है तो आप हमारे लिए अपने दिल में जगह कैसे बना पाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ये शादी किसी भी दबाव में आके करें, और ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर हम आपसे शादी करना चाहते हैं तो आप भी हमसे शादी करें। हम जो आपसे बात बोलने जा रहे हैं उसके लिए पहले से ही माफी मांग रहे हैं। आपके और मोहन जी के बीच में अगर कुछ भी है तो बिना किसी संकोच के हमें बता दीजिए। हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, यहां तक कि ना कहने की जिम्मेदारी भी हम अपने सर पे ले लेंगे। राधा जी, शादी बहुत ही पवित्र बंधन होती, इसका तिरस्कार नहीं करते। आप ये जानना चाहते हैं ना कि हमारे और मोहन जी के बीच कुछ है? हाँ है, बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत खास है हमारे लिए मोहन जी। आप ये जानना चाहते हैं ना, क्या हम मोहन जी से प्रेम करते हैं? हाँ करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं हम मोहन जी से, पर वैसा प्रेम जैसा आप अपने राधा रानी से और हम अपने बाकी बिहारी जी से करते हैं, वैसा प्रेम जैसे एक भक्त अपने भगवान से करता है, क्योंकि मोहन जी हमारे जीवन में भगवान का रूप लेकर तब आए थे जब हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा अकेले हो गए थे। उन्होंने आकर हमारे जीवन को एक नई दिशा दी, शक्ति दी, हमें जीने का कारण दिया। तो हाँ, करते हैं हम मोहन जी से प्रेम। मोहन, हृदय यहाँ राधा के रिश्ते के लिए आया है और तुमने बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। तब ऐसे कौन करता है मोहन? देखो, हम समझते हैं कि सच जानना बहुत जरूरी है, पर कम से कम उसे कंफर्म तो कर लेना चाहिए था। हृदय से पूछ लेते कि उसने झूठ क्यों बोला। पर नहीं मोहन, आज तुम्हारी वजह से ना हम बहुत शर्मिंदा हुए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। और आज पहली बार हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुनगुन, इन सारी बातों के लिए ना घर में बड़े हैं। देखो गुनगुन, हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि राधा तुम्हारी दोस्त है और तुम नहीं चाहती कि वो इस घर से चली जाए, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी कहोगी और कुछ भी करोगी। और मोहन, तुम वो हमारे परिवार के बारे में क्या सोच रहे होंगे? कैसा परिवार है जो एक मासूम बच्ची की शादी तक नहीं होने देना चाहता?
माँ झूठ तो उन लोगों ने बोला है ना माँ, सोचने तो हमें चाहिए कि ये कैसे लोग हैं जो झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। उन लोगों ने झूठ नहीं बोला, बस हमने सच छुपाया है। अगर हम सच बता देते तो क्या आप लोग राधा की शादी हृदय से होने देते? नहीं ना। देखिए, हम बस इतना जानते हैं कि हृदय एक अच्छा लड़का है, पर हमारी पोती वहां शादी करके खुश रहेगी। कादंबरी जी, हम आपका और आपके परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये रिश्ता टूटा ना तो उसका जिम्मेदार हम आपके परिवार को ठहराएंगे। दादी पर राधा की शादी इस बस मोहन, तुम समझते क्यों नहीं हो? कहने को तो आदमी और औरत एक ही समाज में रहते हैं, पर समाज आदमी और औरत को एक ही नजर से नहीं देखता। तुम पे लगा हुआ खून का इल्जाम तो लोग भूल जाएंगे। तुम्हें एक अच्छी जीवन साथी भी मिल जाएगी, पर तुम्हारी वजह से राधा पर जो दाग लगा है उसके छींटे लोग बार बार उस पर उड़ाते रहेंगे। इसीलिए हम तुमसे विनती करते हैं, अगर राधा की शादी हो रही है तो उसे हो जाने दो, उसके बसते हुए घर में आग मत लगाओ। मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। अरे कितना वक्त हो गया, पता नहीं ये दोनों मिलके क्या बातें कर रहे हैं। जब बातें लंबी होती है ना तो कभी कभार हमें नाम में बदल जाती है। राधा ने शादी को मना कर दिया। वेरी गुड, शुक्र है। जाओ अपने घर, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। राधा बेटा, इतना परेशान क्यों लग रही हो तुम? क्या बात है हृदय? रस्में शुरू कर ले, हम तो अपनी यहां घर से ही लेकर आए थे और अब राधा जी ने भी यहां कह दी है। पर हमारी भक्ति और भगवान किस प्रेम को शायद ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते और हम समझा भी नहीं पाते। आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है राधा जी, हम आप पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना अपनी राधा रानी पर। अब सारी बातें साफ हो ही गई हैं, तो हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं जिसका जवाब हम आपके सच्चे दिल से चाहते हैं। क्या आप हमसे शादी करेंगे?